हेलो गाइस, क्या हाल है सबके। सो आज हम एक इंटरेस्टिंग न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं जिसके मुताबिक शायद स्पाइडरमैन 4 में पीटर पार्कर की मौत हो जाएगी। एंड जस्ट टू बी क्लियर, यहाँ पर मैं टॉम हॉलैंड की बात कर रहा हूँ, टोबी मैग्वायर की नहीं। Okay. खैर पॉइंट पर आते हैं। सो ऐसा कहा जा रहा है कि एमसीयू का स्पाइडरमैन अपनी फोर्थ मूवी में मारा जाएगा, लेकिन देयर इज अ कैच, वो वापस जिंदा भी होगा, वो भी वेनम सिम्बियोट की हेल्प से। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सो डेनियल आरपी के नाम के एक बहुत ही रेप्यूटेटेड इनसाइडर हैं, जिन्होंने अपने ट्विटर पर पोस्ट करके ये कहा कि स्पाइडरमैन 4 की शूटिंग इसी साल के फॉल में स्टार्ट होने के लिए शेड्यूल्ड है, ताकि 2025 के एंड तक ये मूवी रिलीज हो सके। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो वेनम सिम्बियोट हमने नो वे होम के एंड में देखा था, उसके इस मूवी में होने के काफी हाई चांसेस हैं। लेकिन असली दंगल तो इसके बाद स्टार्ट हुआ, जब काफी सारे इनसाइडर्स ने ये हिंट किया कि नेक्स्ट पार्ट में शायद स्पाइडरमैन मरने वाला है। एंड इन सारे इनसाइडर्स में से कुछ तो बहुत ही ज्यादा रिलायबल है, जैसे ऑस्टिन वर्स, ये कहते हैं कि पीटर इस मूवी में मर जाएगा लेकिन वेनम उसे बचा लेगा। इस तरह से स्पाइडरमैन को अपना ब्लैक सूट मिल जाएगा और मूवी यहीं पर एंड हो जाएगी। फिर आते हैं क्रिप्टिक एचडी क्वालिटी, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है और आमतौर पर इनकी दी हुई न्यूज सच ही निकलती है। सो इन्होंने डेनियल का रिप्लाई देते हुए एक जीआईएफ पोस्ट की, जिसमें कुछ लोग एक कॉफिन को दफना रहे हैं लेकिन अचानक उस पर स्लिप होकर कोई गिर जाता है, जिसका रिप्लाई देते हुए एक और क्रेडिबल इनसाइडर एलेक्स पेरेज ने ये पोस्ट किया, वो वापस उठ जाएगा। अब ये कोई पहली बार तो नहीं है जब उसकी मौत हुई हो, इंप्लाइंग कि शायद इस मूवी में वेनम सिम्बियोट पीटर की जान बचाएगा। एंड ऑल्सो क्योंकि कॉमिक्स में भी स्पाइडरमैन कई बार मर चुका है, तो ये स्टेटमेंट सेंस भी बनाता है। एनीवेज, तो ये एक बहुत ही कूल तरीका होगा वेनम को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करने का। इसके साथ ही एक ग्राउंड भी सेट करेगा, जिससे पीटर अपने ब्लैक सिम्बायोट सूट को सीक्रेट वॉर्स में भी यूज कर सकता है। क्योंकि तुम खुद सोच कर देखो, अगर सिम्बायोट ने पीटर की जान बचाई है तो वो उसे अपने लिए बुरा नहीं मानेगा, बल्कि उसे देव मानुष समझेगा। एंड इसके अलावा, जैसा कि हम सीक्रेट वॉर्स के बारे में सुन रहे हैं, तो ये बात सेंस भी बनाती है कि स्पाइडरमैन 4 पीटर और वेनम के बॉन्ड करते ही एंड हो जाएगी। एंड उसका एक्चुअल सिम्बायोट सूट हमें सीक्रेट वॉर्स में देखने मिलेगा, क्योंकि कॉमिक्स में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब पूरे सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स के दौरान स्पाइडरमैन अपने ब्लैक सूट में ही था। सो यहाँ पर भी हमें कुछ वैसा ही देखने को मिल सकता है, जहाँ पीटर वेनम सिम्बायोट को अच्छा समझकर पूरी सीक्रेट वॉर्स में इसी का यूज करे। एंड फिर स्पाइडरमैन 5 में ये लोग एड्रेस कर सकते हैं कि ये सूट असल में एक बैड न्यूज है। इसके अलावा खुद सोनी ने एक बहुत ही बड़ी न्यूज रिवील की है, जिसमें वो कहते हैं कि स्पाइडरमैन 4 एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट होने वाला है। अब मुझे एक बात बताओ, मैडम वेब के बाद इन्हें कोई सीरियसली ले रहा है क्या? नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। अब तुम्हारे इस न्यूज को लेकर क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। इसके अलावा अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।